नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपको ऐसे महापुरुष के बारे में बताएंगे जिनकी वीरता की गाथा सदियों तक गूंजती रहेगी, जिनकी बुद्धि और बहादुरी की कहानियां अमिट स्याही से लिखी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाटों के लोक देवता तेजाजी महाराज की, जिनका नाम आते ही लोगों की नसों में वीरता की एक अलग ही ज्वाला दिखाई देने लगती है। आज हम आपको उनसे जुड़ी ऐसी ही चमत्कारी जगह के बारे में बताएंगे जहां जाकर हर कोई सुखी जीवन जीने लगता है। नागौर के खरनाल गांव में वीर तेजाजी महाराज के समाधि स्थल है, जिसमें राजस्थान के 6 चमत्कारिक सिद्धों में से एक माना जाता है। यही तेजाजी महाराज को नाग ने डस लिया था। तेजाजी महाराज को सबसे बड़ा गौरक्षक माना जाता है। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बलि तक दे दी थी। कभी से इस चमत्कारिक समाधि स्थल को समाज के लोग पूजते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तेजाजी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात प्रांतों में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसान वर्ग अपनी खेती की खुशहाली के लिए तेजाजी को पूजते हैं। तेजाजी ने 11वीं सदी में गायों की डाकुओं से रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया था। तभी तो आज तक पूरी दुनिया में तेजाजी महाराज को गाय का सबसे बड़ा रक्षक कहा जाता है। तभी तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी अपनी हर सभा में सबसे पहले वीर तेजाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाते हैं और उनकी वीरता की गाथा भी सुनाते हैं। क्या आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक मुनाफा नहीं दे रहा? क्या आपका बिजनेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा? तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए एक शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देगा आपको आपके बिजनेस के लिए शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट, वो भी बेहद किफायती दामों पर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 900129962 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।